आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, सुशील ने बहुत मेहनत की है विशु। हाँ पर दादी का गुस्सा ही ऐसा है, क्या करें। एक काम करते हैं, मैं ना सुशील को फोन करती हूँ। ठीक है, तुम होल्ड पे ही रहना। दोनों मिलके उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो कल आ जाए। लो फील कर रही होगी ना वो। ठीक है, तुम ऐड करो उसे। एक मिनट। हेलो सू, विशु भी लाइन पे। हाँ सुशील, तुम आओगी ना कल? सॉरी सू, आज भी बहुत ड्रामा हो गया ना। नहीं नहीं, मैं पक्का आऊंगी। काम है मेरा, और वैसे भी दादा ने इतनी मुश्किल से परमिशन दी काम करने के लिए। और थोड़ी ना मैं मापा को लेट डाउन करूंगी। व्हाट्स मापा? व्हाट्स नहीं, हू। मापा मेरे पापा हैं, बचपन से माँ भी वही रहे हैं और पापा भी, तो मैं उनको मापा बुलाती हूँ। यूनिक सुशील के यूनिक तरीके। आज जब तूने सबके सामने स्टैंड लिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ना बस सोचती रह जाती हूँ कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तू ना, तू जो भी सोचती है ना, तू वो बोल देती है, और सामने वाला सोचते रह जाता है कि अरे भाई ये क्या हुआ, कैसे हो गया। एनीवे तू कल आएगी ना? और वो तेरी मापा की जो बुआ जी है, वो तुझे आने देंगी ना? ऑफ कोर्स आऊंगी, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। पर वहाँ आने के बाद क्या ड्रामा होगा ये मुझे नहीं पता। वैसे वो जो आपका देवर है ना, टैटू वाला, वो जबरदस्ती हर किसी बात में ना बीच में घुस जाता है। पता नहीं उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। जन्माष्टमी से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब वो मुझे ना टकराया हो। और टक्कर तो सही, पर वो फालतू में मेरे मैटर्स के बीच में क्यों घुसता है? और घुसता है पर ऐसे समझता है अपने आप को जैसे बॉस हो कहीं का। अरे नहीं, वो ना तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होगा। तू इतना ओवर रिएक्ट मत कर, उसे वैसे भी हीरो टाइप बनने का ना थोड़ा सा शौक है। होगा शौक उसके हीरो के, पर लगता वो पूरा विलेन है। और उसके शौक के चक्कर में मैं क्यों शौक खाती रहूं? एनीवे मैं आपको कल हल्दी में मिलती हूँ, और मैं आपको लेप भी लगाऊंगी। हाँ ओके, बाय बाय। जी क्या मजा आता है छोटे। हाँ देख देख, तू ना मेरी शादी अच्छे से निपट जाने दे, उसके बाद तू जो चाहेगा वो करना, ठीक है? और सुशील थोड़ी अलग लड़की है यार, उसे थोड़ा सा दूर रह। हाँ एग्जैक्टली, चैलेंज वैलेंज रख दे बाजू में। तो एक काम कर, मेरे पैसे निकाल। चुप कर, एक मिनट। हो गया मेरे मुन्ना। हाँ हार तो मैं नहीं मानूंगा, पर हाँ कल उसे अपनी बाइक के पीछे बिठा कर लेकर जरूर आऊंगा, और फिर उसे मानना पड़ेगा कि हीरो तो ये टैटू वाला सत्या आज मेरा ही है। सुबह सुबह क्या कर रही है रसोड़े में? मैंने मेहुल से कहा है कि तू आज बाहर कहीं नहीं जाएगी। ये बना रही हूँ। हे मारी राधा मैया, खाना बनाना सीख गई? ए बता मारे को क्या बनाया। अरे नहीं नहीं, खाने का नहीं, लगाने का है। इसमें कपूर, काकोली और गंदा मात्रा सब है। इसको सर पे और फेस पे लगाने से गुस्सा शांत रहता है, और ना दिमाग भी ठंडा रहता है। हाँ हाँ, वो सब तो उचित है, पहले इसको तो ढंग से काट। एकदम दापोड़ है तू। राधे मैया, जाने कैसे होगा तेरा लगन। मापा की फूफा, लगन से याद आया कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि बना कैसा है। मैं लगा तो लूं, पर अगर लगाने के बाद कुछ ऐसा हो गया तो फिर तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। तो रुक रुक, पहले मैं अपनी त्वचा पर लगाकर इसका परीक्षण करूंगी, उसके बाद तू लगाना। वैसे भी तारा में घनी कमियां छे, एक कमी और हो गई तो
तो हो गया सारा लगन। चल आजा आजा। कुछ नहीं तो जाके अपना काम करने, बर्तन पड़े जाके धो ले। हाँ? जा। बहु मजा आवे छे, बहु सारू करे छे। सच सदा कड़वा हुए छे। बहुत सारू लगे छे। हाँ ओ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।